अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं यूनिट नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और आज हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिस्क ऑफ आईसीटी टू एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। रिस्क आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सोसाइटी और हमारी सोसाइटी में क्या ऐसे खतरात हैं या क्या ऐसे यूजेज हैं टेक्नोलॉजी के जो हमारे लिए ख़तरनाक साबित होते हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटर क्राइम्स, कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में हेल्प करता है, लेकिन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे क्राइम्स भी हैं जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं। कंप्यूटर क्राइम्स ऐसे क्राइम्स होते हैं जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को या टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए होते हैं। सबसे पहला जो है वो है थेफ्ट ऐसे क्राइम है, कॉमन क्राइम है कंप्यूटर का, जिसके ज़रिए कंप्यूटर्स के ज़रिए स्टील मनी को स्टील किया जाता है, गुड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर रिसोर्सेज या किसी के डाटा को एक्सेस किया जाता है थेफ्ट में, और मोस्टली इसको स्टीलिंग में आता है, मोस्टली इसके लिए मनी को स्टील करने के लिए, पैसों को चोरी करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड है पायरेसी का मतलब होता है इलीगल किसी तरीके को एक्सेस, इलीगल डुप्लीकेशन यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की इलीगल कॉपी या इलीगल तरीके से ओरिजिनल मटेरियल को एक्सेस करना और उसको बाद में अपने तरीके से उसको यूज़ करना, तो ये पायरेसी भी सेकेंड फॉर्म सेकेंड है आईसीटी का। थर्ड है हैकिंग भी एक हैकिंग इलीगल एक्टिविटी है और ये अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी पर्सन का, इससे डाटा को डैमेज किया जा सकता है, क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सबको हैक किया जा सकता है और बहुत सी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी लीक किया जा सकता है या उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो सबसे बेहतर तरीका है कि इससे बचा जा सके आईसीटी को यूज़ करते हुए, हम बच टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उसको सेफ रखा जाए अपनी इंफॉर्मेशन को, तो हम कर सकते हैं पासवर्ड की आइडेंटिटी, कोई ऐसी पासवर्ड रखें, कोई की रखें, आईडी नंबर या कोई ऐसा रखें, फिंगरप्रिंट लॉक रखें या वॉइस प्रिंट रिकॉर्ड रखें, कोई ऐसा लाजमी हो जिसे कंप्यूटर या हमारे जो अपने डिवाइस हैं वो सिक्योर हो सकें। नेक्स्ट हम इसका करेंगे MCQs। फर्स्ट MCQs है इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स प्रोसेस डेटा विच इज़ द सूटेबल मीन ऑफ रिलायबल कंटिन्यूस कम्युनिकेशन बिटवीन एन ऑर्बिटिंग सेटेलाइट एंड अर्थ, तो वो है माइक्रोवेव, यानी माइक्रोवेव के जरिए कम्युनिकेशन होती है सेटेलाइट और अर्थ के दरमियान। बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाई कंप्यूटर आर बोथ ए एंड सी यानी अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज CPU विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग, यानी अरेंजिंग, मैन्यूपुलेटिंग, कैलकुलेटिंग, गैदरिंग, ये तीनों प्रोसेसिंग है, मैन्यूपुलेट होना, गैदर करना, कैलकुलेट, ये प्रोसेसिंग में आते हैं जबकि अरेंजिंग प्रोसेसिंग में नहीं आती है, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग, तो इंटरनेट, व्हाट डज द टर्म ईमेल स्टैंड फॉर, दिस इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये चैप्टर हमारा एंड होता है। जो लास्ट टॉपिक है रिस्क ऑफ आईसीटी टू सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, इसमें से मोस्टली हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पायरेसी और हैकिंग का या थेफ्ट का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है।